नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम आपके साथ जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं अगस्त के वो आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आइए देखते हैं इसके बारे में तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन जो है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गुआना नए प्रेसिडेंट गुआना के कौन अपॉइंट हुए हैं हाल ही में तो इसका आंसर है इरफान अली जी और ये जो है दोस्तों नाइन्थ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है कॉपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुआना के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु विल कंस्ट्रक्ट मॉडर्न फूड स्टोरेज सिस्टम विद डॉर टू मिलियन वर्ल्ड बैंक सपोर्ट तो कौन जो है कंस्ट्रक्ट करेगा मॉडर्न फूड स्टोरेज सिस्टम को डॉलर 202 डॉलर टू मिलियन वर्ल्ड बैंक सपोर्ट से जो कि मिल रहा है तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश और क्योंकि दोस्तों बात कर रहे हैं हम बांग्लादेश की तो आइए देखते हैं इंडियन मैप के घर पे कहां पे है बांग्लादेश तो बांग्लादेश दोस्तों ये जो ऑरेंज कलर का मार्क्ड एरिया है यहां पर पड़ता है बांग्लादेश और इसका जो कैपिटल है वो है ढाका जो करेंसी है वो है टाका जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना जी और जो पहली विमेन पीएम थी वो थी जिया जो कि 20 मार्च 1991 को यानी 20 मार्च 1991 1991 को अपॉइंट की गई थी और जैसे कि मैंने अभी आपके साथ बात करी कि डॉलर 202 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से मॉडर्न फूड स्टोरेज फैसिलिटी वाला प्रोजेक्ट जो है वो उस पर वर्क करेगा कौन बांग्लादेश नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर ड्रोनाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो कौन जो है नॉमिनेट हुआ है ड्रोनाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए तो इसका आंसर है नरेश कुमार जी जो कि फॉर्मर डेविस कप कैप्टन रह चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु लॉन्च दी सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल तो किसने जो है सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी चैनल लॉन्च किया है तो इसका आंसर है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है और ये एक तरह का नया इनिशिएटिव है नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इनिशिएटिव विल हेल्प वुमेन रेंजिंग फ्रॉम कॉलेज टू मिडिल एज हाउस वाइफ टेक एंटरप्रेनियोरशिप एज वायबल फुलफिलिंग करियर ऑप्शन तो कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जो कि वीमेन जो कि कॉलेज से लेकर मिडिल एज हाउसवाइफ तक की हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप में करियर बनाने में हेल्प करेगा या इसे एज ऑप्शन चूज करने में हेल्प करेगा तो वो इनिशिएटिव है डब्ल्यू कोहट यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्पावरमेंट और ये जो है दोस्तों पहला इनिशिएटिव है जो कि वुमेन इकोसिस्टम आईआईटी दिल्ली में आ, स्ट्रेंथन uh, करने के लिए बनाया गया है और इसे जो है सपोर्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु लॉन्च डीडी आसाम ट्वेंटी फोर चैनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो किसने जो है डीडी आसाम ट्वेंटी फोर चैनल लॉन्च किया है हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तो इसका आंसर है प्रकाश जावड़कर जी जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इनोग्रेटेड थेल गोल्फ रिजोर्ट प्रोजेक्ट इन मिजोरम तो किसने जो है थेजोल गोल्फ रिज़ोर्ट प्रोजेक्ट मिजोरम में डेवलप या इनोग्रेट किया है तो इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है और ये जो है दोस्तों स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है उसके अंतर्गत किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच मोबाइल ऐप हैज बिन लॉन्च बाय डीएनएचडीडी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन तो कौन सा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है डीएनएचडीडी के द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तो वो है ई ज्ञान मित्र ऐप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेशनल बैंक ऑफ बहरेन एनबीबी सेलेक्टेड होम फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स ट्रांजेक्शन बैंकिंग बिजनेस तो किसने जो है एन बीबी बैंक ने सेलेक्ट किया है किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसके ट्रांजेक्शन बैंकिंग बिजनेस में लाने के लिए यानी कि एक तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए किसे सिलेक्ट किया है एनबीबी ने तो इसका आंसर है इन्फोसिस फिनेकल को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु टाइड अप विद आई टी सी एच यूएल एंड पीएनजी फॉर वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो किसने जो है अप किया है आईटीसी एच यूएल एंड पी एनजी के द्वारा इनके साथ वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश जिन्होंने साइन किया है हाल ही में एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन तीनों के साथ और ये जो है इनकी प्लानिंग भी है कि ये लॉन्च करेंगे वाई एस आर चयुथा एंड वाईएसआर आसरा ताकि ये जो है सपोर्ट कर सके एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को यानी कि एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये दो और चीज बायसार आर चयुता और बायसार आर आसरा को जो है लॉन्च करने वाले हैं इनकी प्लानिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेप्ड बैक फ्रॉम आईपीएल स्पॉन्सरशिप आईपीएल स्पॉन्सरशिप से किसने स्टेप बैक किया है तो इसका आंसर है दोस्तों विवो हाल ही में जो इंडिया चाइना विवाद चल रहा था उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है और ये जो है तीन साल के लिए होगा 2021 से 2023 तक और ये रिवाइज टर्म्स होंगे इसके और ये जो है डिपेंड करेंगे इसके जो है, टर्म्स हैं जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है दोनों नेशन के बीच में कैसी चल रही है उस पर यानी कि अगर आने वाले समय में इंडिया और चाइना के साथ जो है अच्छे व्यवहार होते हैं दोनों के बीच में तो हो सकता है कि फर्से स्पॉन्सरशिप जो है वो विवो करने लग जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेन डू वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ दी वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स तो हम कब सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स को तो इसका आंसर है नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट को तो इसी के साथ दोस्तों जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं हम आने वाले वीडियोस में और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो डिस्कस करेंगे अगस्त के अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद